Hello friends, welcome to iExamP. This is Vidhika, your law faculty and guide at iExamP. At iExamP, we try to make all government exams easy for you. So if you have any query with respect to any government exam, you can write to us at halwa@iexamp.com. You can also call us on the number mentioned on the screen. In the November 1st week, we have got IBPS SO notification and iExamP has decided to help you in prepare for your exam. iExamP is running an IBPS SO foundation batch in which we are conducting daily free sessions for IBPS SO IT, AFO, Marketing, HR, Law and Rajbhasha. So stay tuned to our channel at 11 a.m. for prelims preparation, at 3 p.m. for mains preparation for HR, IT and marketing, and at 7 p.m. for mains preparation for law, AFO and Rajbhasha. So don't forget to subscribe to our channel. अब आगे हम IBPS SO लॉ ऑफिसर के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, the eligibility criteria, the exam pattern and what iExamP is offering in its IBPS SO course. एग्जाम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैन बी फिल्ड फ्रॉम 3rd of November टू 23rd of November. टुडे इज 17th. नाउ नॉट इवन अ वीक इज रिमेनिंग, सो इफ यू आर स्टिल वेटिंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, हरी अप एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. योर प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑन 26th December एंड मीन्स ऑन 30th of January. एज पर द एग्जाम नोटिफिकेशन, eligibility criteria to appear for IBPS SO law officer is that your age should be between 20 to 30 years, you should have a bachelor degree in law and you should be enrolled as an advocate with bar counsel. No experience is required in order to appear for this exam. If you look at the scheme of the exam, there are two phases, prelims and mains. Prelims mein teen sections hain, English language, reasoning, general awareness with special reference to banking industry, और मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज है, दैट इज योर लॉ. अब मैं आपको दिखाऊंगी इस IBPS SO लॉ ऑनलाइन कोर्स में व्हाट वी ऑफर, व्हाट वी हैव, इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. सो इफ यू विजिट आवर कोर्स, इफ यू विजिट आवर डेमो, यू विल सी अ पेज लाइक दिस. इन दिस ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्ट्रैटेजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए. और फिर जैसे आपका एग्जाम पैटर्न है, प्रीलिम्स जिसमें तीन सेक्शंस हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देन मेंस जिसमें योर प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज योर लॉ है, इससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेगा. अगर अब आप एक प्रीलिम्स के टैब में कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक सेक्शन ओपन करें, सपोज वी ओपन रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड व्हेन यू विजिट एनी ऑफ द चैप्टर्स, सपोज वी आर ओपनिंग वन ऑफ द चैप्टर, इसमें सबसे पहले आपको कोर्स वीडियोस मिलेंगे, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, देयर कुड बी स्टडी नोट्स इफ रिक्वायर्ड, एंड देन यू विल फाइंड द चैप्टर टेस्ट. And these chapter tests are arranged from easy to moderate to difficult level, whatever is required in order to prepare for this exam. इसी तरीके से सभी chapters, सभी important topics में आपको सभी relevant content मिलेगा, and then similarly for GA and for English. Now you have prepared, अब आपने सब पढ़ लिया, English भी पढ़ लिया, reasoning भी पढ़ लिया और GA भी पढ़ लिया. अब आपको कैसे पता चलेगा आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितना नहीं प्रिपेयर्ड हैं? एंड फॉर दिस वी प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट. दीज मॉक टेस्ट आर प्रेजेंट इन दिस टेस्ट टैब. व्हेन यू ओपन टेस्ट, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दिखेगा, और जब आप प्रीलिम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीलिम्स के फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट दिखेंगे, विच इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल एग्जाम. दिस विल गिव यू एन एक्चुअल एग्जाम फीलिंग, एन एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस. दिस इज एन एंटायर सिमुलेशन ऑफ वॉट यू विल फेस ऑन 26th of December. तो अगर आप किसी भी एक मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी. व्हेन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, यू हैव टू सिलेक्ट योर लैंग्वेज, यू हैव टू क्लिक द चेक बॉक्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम. एंड देन यू विल गेट द 3 सेक्शंस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस ऑन ईच सेक्शन. एंड वंस यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस in a span of 2 hours, then you submit your test from this button on the right hand side at the lower bottom. And once you have submitted your test, you will get an analysis, you will get your score, you will get how you performed in this exam, and you can see there is an detailed analysis. Aap examine mock test pe click kare, and then you will see that
You will get the difficulty level of each question, how much time you spend on that question, whether you attempted that question or not, how many correct questions you have attempted, how many wrong you have attempted. And in this way, when you open a question, you will find a detailed solution with respect to that question. In this way, you can attempt mock test. In this way, you can have a comprehensive preparation. आपको समझ आएगा, आपने जो पढ़ा है आप उसे actually 2 घंटे में prelims की exam में कर भी पाएंगे या नहीं. So do attempt mock test. And at iExamBee, we do give you free mock test. तो अगर आप iExamBee के mock test attempt करना चाहते हैं, you can go to free mock test section as well. In this way, you can prepare for your prelims. अब mains की बात करते हैं, that is your law, your professional knowledge. In this, again, you will find a lot of chapters, and when you visit any of the chapter, in that chapter, you will find, first of all, there are course videos which are explaining the act, which are explaining the concepts of that act, the important sections of that act. If you scroll down and see, you will see course videos on each and every topic, on SARFAESI Act, RBI Act, Banking Ombudsman Scheme, Banking Regulation Act, Recovery of Debt and Bankruptcy Code Act. So in this way, you will see that there are course videos for all the important acts, and then followed by the course videos, you will find the study notes for each of the act, which will explain the important sections. And at the end, you will find the chapter test. So first of all, visit the course videos, study the course videos entirely. At the same time, simultaneously study the study notes which have been provided, and then once you are over with that entire act, attempt its chapter test. You will find the chapter test for each of the act which is present in your syllabus for each of the topic. अब मैं आपको बताऊंगी, इस कोर्स में आपको कुछ यूनिक फीचर्स मिल रहे हैं, और वो क्या है. अब जैसे आपने ये कोर्स वीडियो देखा, बिलो एवरी कोर्स वीडियो यू विल फाइंड अ टेक टेस्ट ऑप्शन विच इज कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस. तो जो भी कॉन्सेप्ट्स उस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं, उसके बेसिस पे आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे. और जब आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको समझ आएगा कि आप उस वीडियो के कितने कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं और कितने अप्लाई कर पाए हैं. नाउ वंस यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन सबमिट द टेस्ट एंड चेक आउट योर आंसर्स. अब आपने वीडियो देख लिया, आपने टेस्ट भी ले लिया, आपने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, अब आपको लग रहा है ये वीडियो कंप्लीट है, आपको सब समझ आ गया है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लिक दिस चेक बॉक्स. वंस यू क्लिक दिस चेक बॉक्स, इट इज मार्क्ड एज कंप्लीट एंड दिस विल स्टे कंप्लीट इन योर कोर्स. तो अब आपको ये पता है कि ये आपको समझ आ गया, ये आपने खत्म कर लिया है. अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये चूज चेक ऑप्शन है, इसका क्या रेलेवेंस है. आप जब इस चूज चेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड 4 ऑप्शंस: इम्पॉर्टेंट, वॉच लेटर, हैव कंफ्यूजन और टेस्टिंग. नाउ सपोज किसी वीडियो को देखकर आपको लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे मुझे दोबारा देखना है, आई शुड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. आपने इसे इम्पॉर्टेंट मार्क किया और इससे सबमिट कर दिया. अब आपको कोई और वीडियो लग रहा है कि आपको इसमें कंफ्यूजन है, इससे आपको दोबारा देखना है, इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आपने इसके चूज चेक पे क्लिक किया और आपने इसे हाफ कंफ्यूजन में रख दिया. नाउ सपोज आपने कोई स्टडी नोट्स पढ़े हैं, जैसे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन आपने खोला, आपने बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के सारे नोट्स पढ़ लिए. अब आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल अगेन रीड इट, आई विल वॉच इट अगेन. आपने इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना है, या फिर आप इसे वॉच लेटर मार्क कर दीजिए. सो सपोज वी मार्क हेयर वॉच लेटर और फिर आप सबमिट कर दें. अब आपको सपोज वीकेंड पे रिविजन करना है या 1 महीने के बाद रिविजन करना है, और आपको उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे. आप इस ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्लिक करें. इन दिस यू विल फाइंड ऑल द टॉपिक्स विच यू हैव मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट एंड ऑल दीज टॉपिक्स विल अपियर, और आप इनको यहाँ से इजिली एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स. सिमिलरली फॉर वॉच लेटर, इससे आप वो टॉपिक्स एक्सेस कर सकते हैं जिन्हें आपने वॉच लेटर मार्क किया है, एंड सिमिलरली फॉर हैव कंफ्यूजन और टेस्टिंग. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो आपको खुद एनालिसिस में हेल्प करेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन में ट्रैक रखने में हेल्प करेंगे. नाउ यू हैव स्टार्टेड फॉर द मेंस. अब मेंस के मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, सो यू कैन फाइंड द मेंस मॉक टेस्ट इन टेस्ट सेक्शन. व्हेन यू क्लिक ऑन द मेंस सेक्शन, यू विल फाइंड 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर योर मेंस. And in this, when you click again, you will find 60 questions, exactly the simulation of the actual exam, और आप exam level experience face कर सकते हैं. So this is what is present in the course, the content, the preparation way. Now there is one more tab, that is live class recordings. This is one of the very unique feature that we provide. We conduct
डेली लाइव क्लासेस एट आई एग्जाम भी फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, और उनके रिकॉर्डिंग्स आपके पास आपके डैशबोर्ड में होते हैं. सो इफ़ यू हैव मिस्ड एनी क्लास, सपोज यू वॉन्टेड टू अटेंड सम लीगल क्लास, रीजनिंग क्लास, एंड यू हैव मिस्ड दैट क्लास, आप उसके रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर देख सकते हैं. और यू कैन अटेंड द क्लास जिसमें आप अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हैं. वेन यू विजिट दिस क्लास रिकॉर्डिंग्स फॉर लीगल, इसमें आप देखेंगे डेट वाइज ऑल द क्लासेज आर प्रेजेंट. हमारा नया बैच 8th of November से स्टार्ट हुआ था, तो अभी 3-4 क्लासेज हुई हैं, वो सभी क्लासेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. सो दिस इज द IBPS SO लॉ ऑफिसर ऑनलाइन कोर्स दैट वी प्रोवाइड एट आई एग्जाम भी. And as I've already told, हमारा नया बैच 8th of November से स्टार्ट हुआ था. वी आर कंडक्टिंग लाइव सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 ऑफ द एक्ट्स. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कल खत्म हो जाएगा. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. यू कैन फाइंड द रिकॉर्डिंग्स इन द लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर. यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन. सिमिलरली फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एंड सिमिलरली फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. हमारा टारगेट है हम 15th या 20th January तक आपका सिलेबस खत्म कर दें, सो दैट यू हैव 10 entire days फॉर रिविजन. और उसके बाद हम आपके रिविजन क्लासेस स्टार्ट करें जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करें और आपके डाउट्स ले सकें. नाउ फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चन अ डाउट कम्स इन द माइंड. प्रैक्टिस कैसे होगी, कितने क्वेश्चन हैं, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखें देर आर 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट. सो 600 क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन बिलो एवरी वीडियो एंड चैप्टर टेस्ट ऑफ एवरी एक्ट. तो आपको इन टोटल यू कैन फाइंड देर आर अबाउट 1500 to 2000 क्वेश्चन इन दिस कोर्स फॉर ओनली लॉ एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन. अगर आप एंटायर कोर्स अच्छे से पढ़ लें, सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लें, यू विल हैव एन ऑल राउंड प्रिपरेशन फ्रॉम दिस कोर्स. दिस इज एट एक्सपर्ट लीगल फैकल्टी एट आई एग्जाम बी. अमृता मैम, शी इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट औरंगाबाद. नेहा मैम, शी इज हैज मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट लॉ, इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ. एंड विदिका मैम, शी इज एन एक्सपर्ट फॉर लीगल, for criminal law, banking law and SEBI laws. Again, I am mentioning iExamBee tries to make government exams easy for you. So subscribe to our channel, click on the bell icon. Thank you so much.